नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद के एक निजी स्कूल में एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की वायरल वीडियो पर जमकर पलटवार किया, तो वही ईवीएम को लेकर भी कई सवाल उठाए। आपको बता दें, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज में एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेगा वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की एजुकेशन से और इस तरह की बातों से हिंदुस्तान की छवि खराब होगी। तो वही आपको बता दें कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन पर तो भरोसा जो भी है ठीक है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, लॉक रूम खोले जाते हैं। पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में रात के 3 बजे ब्लॉक रूम क्यों खोला गया था? अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ईवीएम खोल रहे थे, बहाने बना रहे हैं कि बैटरी निकाल रहे थे, चेंज होते समय निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल और ईवीएम कभी भी हैक हो सकता है। फिर उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया है, सपा ने जनता को पक्की छत दी है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद पर कहा कि हम भारत सरकार के निर्णय के साथ हैं, भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आज इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जो लोग 12वीं के बाद इंटर करा रहे हैं या इंटर के बाद 12वीं करा रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन के बगैर अब दुनिया चलने वाली नहीं है। दुनिया में हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाए, हमें कम से कम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और बड़े पदों के ऊपर ख़ासतौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके किसी भी कहवे को तमाम दुनिया में वायरल होके हिंदुस्तान की छवि खराब ना हो। अभी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया अभी 5 मिनट पहले कि हमने पक्की बात की, पक्की छत दी है सपा ने, केवल गुंडों की सरकार रही है, गुंडागिरी की रही है। सपा ने भी बहुत पक्की छतें दी हैं, कोई नई बात नहीं करी है उन्होंने। उनके जो काम उन्हें करने चाहिए थे उसके 50% भी नहीं करे। विकास कितना किया ये तो उनसे पूछिए। उनका एक भी काम गिनाने लायक हो तो हमें बता दिए 5 साल में क्या किया, हम सपा के बताएंगे कि क्या किया। जो स्टैंडर्ड हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने करा था, चाहे वो मेट्रो चलाई हो, एक्सप्रेस वेज बना दिए गए हों, जहां 55 लाख लोगों को पेंशन दे दी गई हो महिलाओं को, जहां हर तहसील को 4 लेन से मुख्यालय से जोड़ा गया हो, ये तो मैं आपको बड़े बड़े काम बता रहा हूँ। कन्या विद्याधन, लैपटॉप, क्या क्या नहीं किया करा था इस सरकार ने, क्या करा 5 साल में मुझे आप बता दो। अच्छा सर, ईवीएम की तरफ पे उनको इत्मीनान नहीं है क्या वजह से? प्रशासन की पे तो इत्मीनान जो है सो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि ईवीएम में तक में कोई गड़बड़ी की गई है और लॉक रूम खोले गए हैं। पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में रात के 3 बजे बधाइयों का लॉक रूम क्यों खोला गया था कि तोता अंदर आ गया था? कौन लोग हैं इस तरह की घटना बन जाती है? ये सब बदमाश लोग हैं, मैं इनको पॉलिटिशियन भी नहीं समझता। जो ऐसे अनफेयर मीन्स से जीतना चाहते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है। कल ही लखनऊ में एक ये सामने आई जो आपने बोला कि वहाँ कार्यकर्ताओं ने, सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया ईवीएम को लेकर, अधिकारी की गाड़ी में हथौड़ा कुछ ऐसा मिला उसको लेकर। देखिए, अभी आपने देखा ईवीएम एक साहब खोल रहे थे, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, उन्हें ये राइट नहीं है, बहाना बना रहे थे हम इसकी बैटरी निकाल रहे हैं। बैटरी तो उस वक्त निकाल ली जाती है जब ईवीएम को सील कराया जाता है, वो क्यों खोली जा रही थी ईवीएम में? और क्या हो सकता है, ये रिमोट से कंट्रोल तो नहीं हो रही इस बात का? हमने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया था कि जब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन अगर हैक हो सकता है तो ईवीएम की तो और तुम्हारे मोबाइल की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कभी भी हैक हो जाएगा। अरे देश की पंचायत में आप बैठे हैं संसद भवन में, इस टाइम यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है सरकार को लेकर? देखिए, फॉरेन मामलात के अंदर जो हमारी सरकार डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर नहीं है। हम देश के साथ खड़े हैं, हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए हैं।